एक तरफ जहां कोरोना संकट में डॉक्टर्स द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना निरंतर सेवा की जा रही है, वहीं इन कोरोना वॉरियर्स की चिंता व उनके हौसले को भी सभी अपने अपने तरीके से सलाम भी कर रहे हैं। ऐसी ही सोच के साथ कोरोना संकट में रादौर के गांव दामला स्थित जयप्रकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा भी सेवा कार्य जारी है। संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल में कोविड सैंपल क्योसक भेंट किए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा पहला कोविड सैंपल क्योसक अम्बाला व यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में भेंट किया जा चुका है। इस बारे जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल बुद्धिराजा ने बताया कि संस्थान प्रदेश के सभी हॉस्पिटल जहां पर भी कोविड टेस्टिंग हो रही है वहां पर तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे क्योसक भेंट करेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त 16 और ऐसे क्योसक निर्माणाधीन हैं। हम लोगों ने 4 क्योसक अपनी तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से अम्बाला सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट और सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में डोनेट किए। एक क्योस्क हमारी मुकंद मैनेजमेंट की तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश कुमार जी ने सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर को डोनेट कर किया है। इसके अलावा 16 क्योस्क हम लोगों ने और बना लिए हैं जो तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा के उन सभी हॉस्पिटल को डोनेट किए जाएंगे जहां पर भी इस कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग होती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संस्थान द्वारा जहाँ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर चैम्बर प्रशासन को भेंट किए गए थे, वहीं अब कोविड क्योसक को बनाकर कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स की मदद की है। संस्थान के इस प्रयास की तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज द्वारा भी प्रशंसा की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RT भारत।